I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलिस हट पर। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में आया हूँ कि आप अपने पुलअप और चिनअप के रेपिटेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके गाइस सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन दबा लो और क्या बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मेरे YouTube वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस, बेसिकली पुलअप और चिनअप में क्या होता है, हम पुलअप और चिनअप इजीली कर लेते हैं। कैसे, कुछ लोग यहाँ से जंप लेके ये पहुँच जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ फिर से जंप लेके ऐसे पहुँच जाते हैं, बट ये कोई पुलअप नहीं होता, ठीक है। एक पुलअप जो सीख जाता है यहाँ से लेके एकदम डेड पोजिशन से, ठीक है, जिसको एक पुलअप आ गया, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपने पुलअप और चिनअप कैसे बढ़ाए। सो गाइस, सबसे पहला मूवमेंट आपका क्या होने वाला है, देखो सबसे पहला मूवमेंट क्या, आपको स्ट्रेचिंग अपने शोल्डर्स और आर्म्स की करते रहना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा अपने एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे आर्म्स पे, स्कैपुला पे, शोल्डर्स पे, उससे जो इंजरी होगी उसकी चांसेस कम होंगी, ठीक है। ये की पॉइंट है, इसे नोट कर लो, ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं प्रोग्रेशंस की ओर, हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग कौन कौन सी करनी है देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ शोल्डर सर्कल्स, आगे पीछे आर्म सर्कल्स, छोटा सा सर्कल इतना बनाना है और आगे और पीछे भी, ठीक है। देन इधर स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये 4 से 5 मिनट कर लेना, ठीक है। यहाँ इस टाइप से, ठीक है। देन गाइस, आपको क्या करना है, ये हाथ यहाँ दिस, ठीक है, ये इतना करने के बाद अब बढ़ते हैं इसके पुलअप बढ़ाने के प्रोग्रेशन की ओर, क्या करना है। देखो गाइस, हमें क्या करना है, पुलअप बढ़ाना है, तो हम जहाँ से हमने शुरू किया था पुलअप की अपनी जर्नी, वहीं पे वापस आ जाओ। यानी सपोज करो हमें एक भी पुलअप नहीं आता तो हमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से, ठीक है। फिर से अपने बेसिक्स पे आ जाओ, जो तुम्हारा होल्ड है 30 सेकंड उसे 40 सेकंड कर लो, जो तुम्हारा एक्टिव होल्ड है उसे 20 सेकंड से 40 सेकंड कर लो। देखो डेड होल्ड है यहाँ 30 सेकंड, इसे 40 सेकंड बढ़ा लो, एंड देन एक्टिव होल्ड है यहाँ से ये वाला, इसे भी 20 सेकंड या 30 सेकंड है इसे 40 सेकंड कर लो। देन गाइस, ये करने के बाद आपको इसके 4 से 5 सेट दोनों के एक्टिव होल्ड के और इसके लगाते रहना है। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको निगेटिव पुलअप, मैंने आपको बताए थे निगेटिव पुलअप में यहाँ से जंप लेके जाना है 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गए और ये मूवमेंट आपको फॉलो करनी है। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स इतने बर्नआउट होंगे कि स्ट्रेंथ बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बता रहा हूँ। सो गाइस, इसके आपको 3 सेट लगा लेने हैं 4 से 5 बार इधर उधर जाके, एक बार देख लो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर नहीं जाया जा रहा, अगर इतना भी जा रहा तो इसमें भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके 3 से 4 सेट आपको इजीली कवर कर लेने हैं। देन गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से पुल अप पे आना है, ठीक है। एक्टिव होल्ड कर लिया, डेड होल्ड कर लिया, अपना टाइम इंक्रीज कर लिया, एंड ये समथिंग टाइपराइटर टाइप कर लिया। देन अब आपको क्या करना है, एक पुलअप, क्लीन पुलअप लगाना है, रिलैक्स, आर्म्स को रिलैक्स करा, फिर से ऊपर गए, एक पुलअप लगाया, रिलैक्स, ठीक है। ऐसे जितने भी आपके लग रहे हैं एक एक करके रिलैक्स कर करके 5-5 सेकंड में लगाते रहना। सपोज आपसे 5 लग गए, ठीक है, 5 के बाद आपसे ऊपर नहीं उठा जा रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना भी ऊपर उठाया जा रहा है इतना गए, बस यहीं पे होल्ड कर लेना, ठीक है। जितना भी पेन हो रहा है उसे सहन करना है। देखो दर्द तो होता है हर चीज़ में,
कुछ चीज़ सीखते हैं वो सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ मांगती है, तो इसमें क्या दर्द होगा उसे सहन करना है, भूल जाओ दर्द को। देन गाइस, ठीक है, इतना रूटीन फॉलो करने के बाद अब आपको क्या करना है? देखो, अगर आप कंफ्यूज हो तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक रूटीन मिल जाएगा, ठीक है, उसे आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका होल्ड भी बढ़ेगा, पुलअप की नंबर भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, जो आप पुलअप शोल्डर विड्थ पे लगा रहे थे उसे थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इतना कर लो या इतना कर लो, ठीक है, कम कर लेना है, इतना आना है और यहाँ से ये जाना है, रिलैक्स। ठीक है, और ग्रिप कम कर लो, इतना पास ले आओ, देन फिर से रिलैक्स। ठीक है, ये क्या होता है, वेरिएशंस। अब जब हम वेरिएशंस ट्राई करते हैं पुलअप में तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमें जान लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो बेसिक वाले पुलअप हैं वो ज़रूर इंक्रीज होंगे। देखो, मतलब क्या है, एक तो ये हाई लेवल वाली चीज़ है और एक ये है। ठीक है, अगर तुम ये वाला थोड़ा सीख के फिर इसका सिलेबस कवर करोगे तो ये तो ईजी लगेगा ना, तो ऐसे यही बात है। ठीक है, तो हमने कम ग्रिप वाला किया यहाँ से, ठीक है, जितना भी हो रहा है आधा जाया जा रहा है, आधा जाना है, आधे से कम जाया जा रहा है, आधे से कम जाना है, बट क्या करना ज़रूर है, इसके भी आपको 3 से 4 सेट 5-5 के रैप्स कवर कर लेना। देन गाइस, अब आपने क्या किया, शॉर्ट ग्रिप किया, अब आपको थोड़ा वाइड ग्रिप कर लेना है। ठीक है, और इसमें ऊपर जाने की कोशिश करनी है, वन। ठीक है, अगर इसमें नहीं जाया जा रहा आपसे तो आपको क्या करना है, स्कैपुला पुलअप मैंने बताए थे वो करने, एक बार देख लो, भूल गए हो तो यहाँ से वाइड ग्रिप एंड स्कैपुला पुलअप। ठीक है गाइस, इतना सब कवर करने के बाद अब आपको एक नेक्स्ट स्ट्रेस फेस पे आ जाना है, कौन सा आ जाओ मैं बताता हूँ। सो गाइस देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट ले आने हैं, वेट अगर प्लेट्स नहीं है या फिर कुछ भी हो, आपका पास बैग होगा घर पे, बैग में बुक्स भर लेना या फिर चौके वगैरह भर लेना, ठीक है, कुछ भी मिल जाए आपको हैंग करने के लिए, ठीक है, तो वो ले आना है और उसे कमर पे टांग लेना है या अपने हिप्स पे टांग लेना। सो गाइस देखो, मैंने कुछ इस तरह से टांगा है, तो आप बैग वगैरह ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वेट, ठीक है, जितना आप सहन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो रूटीन आपने विदाउट वेट किए थे, होल्ड, एक्टिव होल्ड, डेड होल्ड, स्कैपुला पुलअप, शॉर्ट ग्रिप, वाइड ग्रिप, अब वो आपको वेट के साथ करने हैं। ठीक है ना, यहाँ डेड होल्ड वही 30 सेकेंड, जितने भी सेकेंड आप कर लो, 40 सेकेंड, जितना ज़्यादा आप करोगे आपके लिए बेनिफिशियल है। देन एक्टिव होल्ड, ठीक है, यहाँ से फिर शॉर्ट ग्रिप एंड देन, ठीक है, यहीं से वाइड ग्रिप में स्कैपुला पुलअप या पुलअप आपके लग पा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको करना है। ये वेट क्यों लटकवाए, वही मैंने बताया, हाई लेवल करोगे तो शॉर्ट लेवल वाला इजी लगेगा, ठीक है ना। सो लास्ट वाला एक और ट्राई कर सकते हो, क्या, निगेटिव पुलअप, इसमें आप कर सकते हो, आपको स्टूल वगैरह लेना है, उस पर खड़े हुए और सिंपल बार पकड़ा या जो भी घर में आपके है, लटक गए, ठीक है ना, फिर स्टूल लेके ऊपर तक, यहाँ तक लटकना है, ठीक है, फिर नीचे स्लो स्लो आना है, ठीक है, फिर से ऊपर चढ़ के गए, फिर यहाँ पहुँच गए, देन स्लो स्लो आपको आना है। ठीक है गाइस, सो होप करता हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो में पुलअप के रिपीटेशन को इंक्रीज करने का प्रोग्रेशन आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं रूटीन्स और सेट्स, जैसे आपको काम करना है उसे फॉलो ज़रूर करना है, और आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ईजिली, कैसे, देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है, ठीक है ना। सो ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको नॉलेज, और नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी है बताओ, और गाइस सब्सक्राइब तुम करते नहीं हो, ठीक है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना, लाल कलर का भी बटन दबा लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
अमेजिंग नॉलेज के साथ नेक्स्ट मूव विद कैलिस्थेनिक्स नॉलेज. ओके टाटा बाय बाय. जय हिंद.